काफ़ी टाइम से हम कहीं घूमने नहीं गए थे और प्लान्स बना बना कर कैंसिल कर चुके थे। किसी के अब्बा नहीं मानते थे तो किसी की अम्मा। अब्बा नहीं मानेंगे। फिर हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला कि नम्बल यूनिवर्सिटी वाले एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये ट्रिप 600 में मरी जा रहा है। तो हमने उसी वक्त रजिस्ट्रेशन कर ली। ट्रिप जाना है सुबह 7:30 बजे, तो हमें सुबह 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा। अरे यार, ये तो बारिश हो रही है यार, पता नहीं अब क्या होगा। चलो देखते हैं। मुझे मेरे दोस्त लेने आ रहे हैं और अब 8 बज चुके हैं, लेकिन बारिश की वजह से ट्रिप का टाइम थोड़ा लेट हो गया। घर से बाहर निकले तो देखा यहाँ तो सब पानी पानी हो गया। रोड पर पहुँचे तो थोड़ा अच्छा लगने लगा और नंबल रोड पर पहुँचे तो मज़ा ही आ गया। ठंडी हवा, हल्की बारिश, उफ। और अब हम मरी के लिए 8:30 बजे नंबल से निकल रहे हैं। तो अभी हमारी बस रुकी है क्योंकि पिछली बस थोड़ा पीछे रह गई है, तो उसके वेट हमें थोड़ी सी ब्रेक भी मिल गई है। और ये अभी यहाँ से च्युइंगम्स ले रहे हैं और अब हमें मोटरवे पे, जब दूसरी बस आएगी तब हम जाएंगे मोटरवे पे। हाँ, ये क्या ले आए हो? हम एक जगह पे रुके हैं लेकिन उस जगह का मुझे नाम नहीं पता कौन सी जगह पे रुके हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक हुई है सब के लिए, तब सब रुके हुए हैं। तो देखते हैं अपनी बसें दोबारा कब चलती हैं। बस
गाना सुन लो, चल गालियां बाद में देना। चल तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में, तेरे ही सपने तेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तुम मेरे ख्वाबों में सवाल में जवाबों में, हर दिन जवाबों में दास्तान में, क्या मुझे प्यार है सजन दी खबर लवे कौन ना मैं बाकी ना मैं आतिश ना पानी ना मैं पानी ना मैं आतिश लात मार के बाहर फेंको अभी इसे उठाया मैं हमने अच्छी आवाज है उसकी गांव गांव आ रही सारी कर रहे हैं इब्राहिम इब्राहिम करेंगे हम गाइस यार कंपटीशन चेक कर रहा हूं नॉकआउट कर रही है मुझे अच्छी है नहीं तेरी तो है ही मेरी बारी अभी हम सब बस से उतरे हैं और अभी हमें नहीं पता कि हमने कहां जाना है वैसे ये है डोंगा गली बाजार के हम पास खड़े हैं लेकिन हमें नहीं पता पाइपलाइन ट्रैक कहां पे तो इसलिए भी हम ढूंढ रहे हैं जहाँ में ऑडियंस सारी जा रही है जहाँ पे तमाम लोग जा रहे हैं हम वहीं भी जा रहे हैं अब देखते हैं पाइपलाइन ट्रैक की साइड पे तो अभी हमें पाइपलाइन ट्रैक का रास्ता मिल गया है कि रास्ता किस साइड पे लेकिन ऊपर जाने से पहले हमें कुछ खाना पीना पड़ेगा क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया और नाश्ता किए बगैर घर से निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना नहीं तो हम ऊपर कैसे जाएंगे और ऊपर जा के फिर आते बहुत टाइम लग जाएगा तो इसलिए भूख बहुत लगी है कुछ खाएंगे पिएंगे पहले उसके बाद हम जाएंगे पाइपलाइन ट्रैक पे अभी हम खाना वगैरह खा चुके हैं और अब हम आए हैं पाइपलाइन ट्रैक पे जो कि एक बहुत अच्छा ट्रैक है बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से लेकिन आगे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आगे और भी ज़्यादा अच्छा ट्रैक है और क्या आगे ट्रैक है ट्रैक वो मैं दो बार बता चुका हूँ कि ट्रैक है टनल है अयोध्या म्यूजियम टाइप और म्यूजियम कह रहा हूँ थोड़ा पार्क भी नेशनल पार्क जहाँ जानवर होते हैं आपको जैसे चलो ओके हो गया भाई जानवर होते हैं इनकी जैसे ठीक हो गया तभी हम जानवर भी देखेंगे ट्रैक भी इंजॉय करेंगे और यहाँ पे तो अभी धूप है थोड़ा ऊपर जाएंगे तो शायद मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तभी गुजारे करते हैं सारे आगे निकल गए मैं पीछे रह गया अभी हम पाइपलाइन ट्रैक पे ही हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इंट्रो कर लें सबका क्योंकि जो हमारे साथ अभी तक चल रहे हैं और हम 5-6 लोग हैं जो यहाँ पे ट्रिप पे आए थे तो हम इंट्रो करते हैं ये हमारे वन ऑफ द सीनियर दोस्त क्या नाम भाई आपका हारिस ये अरबाज खान आसिम मकसूद है ये वही है शुएब है ब्रो योर नेम तनवीर नहीं है वो भी है हसनैन शुएब
ये भाई भी नमल में पढ़ते हैं, ये भाई का थर्ड सेमेस्टर है और ये भाई अकेले आए हैं ट्रिप पे, हमें तो बस में मिले लेकिन घर से अकेले आए हैं। ये मोटिवेशन चाहिए हमें, ऐसी मोटिवेशन। अच्छा तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अमजद शहराज़ी साहब इस टाइम पिक्चर्स बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा बहुत व्लॉगिंग कर लूँ आज। तो इस टाइम हम पाइपलाइन ट्रैक पे हैं। दिस इज हारिस। हेलो हारिस, हाउ आर यू ब्रो? ओए अबे बैठने की फोटो बना यार, बैठ। तो ये है मोटर टनल नेशनल पार्क के अंदर ही थे। तो ये थी मोटर टनल और पाइपलाइन ट्रैक। तो अब हम वापस जा रहे हैं, मोटर टनल से होकर ही जाना पड़ेगा हमें। तो अब हम वापस जाएंगे अपनी बसों की तरफ, क्योंकि बसें निकल जाएंगी 5 बजे और हमें उससे पहले नीचे पहुंचना है। अगर हम लेट हो गए तो हमें ये नंबल का जो ऑफिशियल ट्रिप है ये हमें यहीं पे छोड़ के चला जाएगा और हमें फिर लोकल जाना पड़ेगा। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, नीचे जा के मिलते हैं आपको बसेस के पास। अभी हम अपनी बस में आके बैठ गए हैं, खाना वगैरह खा लिया है। मुश्किल रास्ता था ऊपर का, अब हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने लगे हैं। तो उम्मीद है 2-2.5 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ ट्रिप से वापसी पर भी लौंडों से रहा नहीं गया।